एक मिनट, बहुत हो रहा है आपका ज्यादा। सुनिए आप बात, हमारी उन्नाव की बेटी के साथ भी रेप कांड हुआ था, फिर भारतीय दोगली जनता बात, पार्टी के उसके एमएलए उसका साथ रेपिस्ट है, उन्नाव की लेकिन बेटी उस के समय साथ, आपने उन्नाव की भारतीय बेटी का मामला मुझे नहीं लाया, जेल के अब अंदर धर्म बंद लेके है, आते हो, अपने आप को शरण लेके आते जमाती हो, तुम कहते लोग हो। इस बच्ची की स्टोरी देखने के शरण बाद शोएब जमाई चुल्लू भर शरण पानी में डूब मरना चाहिए तुमको। मुजफ्फर रहमान जवाब शरण। दीजिए, उन्नाव की बेटी तक पहुंच गए आप। मुजफ्फर रहमान, इस बच्ची की कहानी जी देखने के बलात्कार बाद के मामले को अपने यहां आप से को धर्म, तबलीगी बलात्कार के जमात का मामले में धर्म लेके प्रवक्ता आते हो, कहने वालों को बलात्कारी डूब मरना बलात्कारी है, चाहिए, डूब मरना बलात्कारी चाहिए, बलात्कारी है, डूब मरना शरण चाहिए, नहीं शोएब आती है तुम जमाई जैसे डूब मरना दंगाई चाहिए, पत्रकारों को, जमाती जस्ट बलात्कारी है शरण। ये। अभी आप जिसे सुन रहे थे ये शोएब जामई थे जो दीपक चौरसिया को दंगाई पत्रकार बता रहे थे। आगे हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। अभी तक आपने एएचओ न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। दरअसल ये डिबेट न्यूज़ नेशन पर हो रहा था और इसे होस्ट कर रहे थे दीपक चौरसिया। ये डिबेट राजस्थान में हुए एक बलात्कार के घटना पर हो रहा था जिसे दीपक चौरसिया जमात से जोड़ रहे थे, जिसके बाद शोएब जामई और दीपक चौरसिया में जबरदस्त तूतू में हुई। आइए दिखाते हैं पूरी वीडियो। तो इस बच्ची की कहानी देखने के बाद किसी को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जमाती कहते हैं अब अपने आप को, मैं बोलूं दीपक जी, अगर मैं तो अपने पहले शोएब जामई फिर मुजफ्फर रहमान जी। देखिए मैं तो पहली बात अपने आप को भारतीय कहता हूँ और भारतीय मानता हूँ। बड़े जमाती कहते थे अपने आप को, आप बचपन से तबलीगी जमात में जाता हूँ, बड़ी अच्छी अरे भाई अच्छी आप बातें सिखाते हैं, धर्म की बातें क्यों सिखाते हैं, अजान दंगा सिखाते हैं, करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दंगा सुनिए करवाने की सुन नहीं, ले एक हकीकत है, जब हकीकत सामने आओ, आप जैसे लोग बोलते हैं दंगा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए देखिए अगर ये अभी आपको याद आया था ना पहलू खान का नाम, बहुत निंद अगर अभी आपको याद आया था ना पहलू खान का नाम, अब क्यों नहीं आ रहा, जवाब दीजिए शोएब जामई। देखिए दीपक चौरसिया जी आपको सुनना पड़ेगा, 30 सेकंड हमें दीजिए। बलात्कार जैसी जमाती घटना कहते हैं अपने आप को, एक मिनट, बहुत हो रहा है आपका ज्यादा, सुनिए आप बात। बलात्कार जैसी घटना अति निंदनीय है, जो भी बलात्कारी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फौरन सजा होनी चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है समाज में। लेकिन हमारी उन्नाव की बेटी के साथ भी रेप कांड हुआ था, फिर भारतीय दोगली जनता बात, पार्टी के उसके एमएलए उसका साथ रेपिस्ट है, उन्नाव की लेकिन बेटी उस के समय साथ, आपने उन्नाव की भारतीय बेटी का मामला मुझे नहीं लाया, जेल अब के अंदर धर्म बंद लेके है, आते हो, अपने आप को शरण नहीं जमाती आती कहते तुम हो। लोग, इस बच्ची की जस्ट स्टोरी शरण, देखने के बाद शोएब जामई चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुमको। मुजफ्फर रहमान जवाब दीजिए, उन्नाव की बेटी तक पहुंच गए आप। मुजफ्फर रहमान, इस बच्ची की दीपक कहानी जी देखने के बलात्कार के बाद मामले को अपने यहां आप से को धर्म, तबलीगी बलात्कार के जमात का मामले में धर्म प्रवक्ता लेके आते हो, कहने वालों को बलात्कारी डूब मरना बलात्कारी है, चाहिए, डूब मरना बलात्कारी चाहिए, बलात्कारी है, डूब मरना शरण चाहिए, नहीं आती है जमाई तुम जैसे डूब मरना दंगाई चाहिए, पत्रकारों को, जमाती जस्ट बलात्कारी शरण, है ये, जमाती बलात्कारी शरण, है ये, बलात्कारी बलात्कारी है, धर्म जमाती नहीं चलेगा इसके बलात्कारी है बीच में, ये, जमाती बलात्कारी, तबलीगी जमाती बलात्कारी, सुना नहीं बच्ची के मुंह से। सेंगर कौन सा जमाती बलात्कारी था, कठुआ के भाजपा का बच्ची का विधायक था रेपिस्ट जेल के अंदर है, भाजपा का विधायक था जेल के कठुआ अंदर के है, बच्ची का रेपिस्ट सेंगर से इसको ढकेंगे, 10 साल बताओ, की बच्ची को ढकेंगे, डूब मरना चाहिए आपको। मुजफ्फर रहमान जवाब दीजिए, डूब मरना चाहिए शोएब जामई आपको, अपने आप को जमाती कहते हैं। उसका रेपिस्ट जमाती था क्या, किस तरह की पत्रकारिता करते हो, घटिया आदमी हो तुम लोग, बलात्कारी बलात्कारी है, उसकी सजा होनी सच चाहिए, दिखा दिया, फांसी होनी सच चाहिए, दिखा दिया तो लेकिन मिर्ची धर्म लगी, लेकर क्या हो, सच दिखा दिया तो मिर्ची लगी, तबलीगी जमात के गुनाह खोल दिए तो मिर्ची लगी, डूब मरना चाहिए, धर्म ढूंढते हो, डूब अरे मरना बच्ची चाहिए, के साथ, अरे बच्ची के तुम हर जगह धर्म ढूंढते हो। मुजफ्फर रहमान जवाब दीजिए, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले तुम लोग, वो बच्ची मेरी बहन है, वो बच्ची मेरी बहन है, ये रहमान जी एक मिनट, ये आपके तबलीगी जमात के, ये बचपन से जाते हैं तबलीगी जमात में, मौलाना साहब की बातें सुनते हैं, बचपन से जा रहे हैं शोएब जामई तबलीगी जमात में, ये सिखाते हैं जमात में, ये सिखाते हैं जमात में, जवाब दीजिए। इस स्टोरी बनने के बाद जो अपने आप को तबलीगी जमात का कहता है उसको डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। मुझे मेरे बात आप लोगों को, वो बच्ची मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन पर राजनीति मत करो, धर्म की राजनीति मत करो। दीपक चौरसिया कितने खोखले हैं ये मालूम पड़ गया आज। मुजफ्फर रहमान जवाब सुन लीजिए, जवाब आप मेरा सुनना नहीं चाह रहे, राजनीति जितना निंदनीय ये बलात्कार का मामला है उतनी ही निंदनीय, उससे ज्यादा निंदनीय आपकी पत्रकारिता है आज की तारीख में। आप पत्रकार जो
आरोपी हैं, पत्रकारिता है, मैं सच को सामने लाऊंगा, आपके पेट में दर्द होता है, बोलिए। से मेरे पास बलात्कारियों की भाजपा के, अगर ये घड़ियालू आंसू आपने तब बहा दिए होते, हम तो आज भी डिमांड कर रहे हैं कि बलात्कारियों को फांसी दो।